क्या रिश्तों में पड़ेगी दरार इस साल या फिर आपके प्यार में होगा चमत्कार? जानिए रिलेशनशिप राशिफल 2020 करिश्मा कौशिक के साथ। और आज हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि वालों की, यानी जेमिनायंस की चर्चा करेंगे कि 2020 का जो इनका प्यार का संबंध है, पारिवारिक जीवन है और साथ ही साथ आपसी तालमेल अपने जीवन साथी के साथ कैसा रहने वाला है, कैसी रहने वाली है इनकी यारी दोस्ती, इनकी रिलेशनशिप ओवरऑल सभी घर के सदस्यों से, इसी विषय पे चर्चा करेंगे। तो जो साल आता है, नया साल जो आता है, ऐसा कहते हैं कि हर साल हमें कोई ना कोई सीख दे के जाता है, हमें कुछ ना कुछ समझा के जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई साल हमें उम्र भर याद रहता है कि इस साल में हमारे रिश्तों में मिठास आई थी या फिर खटास आई थी। तो एक जो नया साल आता है वो बहुत कुछ लेकर आता है, थोड़ी सी खुशियाँ और थोड़े से गम भी लेकर आता है। मगर साल में जो भी चीज़ें होने वाली होती हैं, अगर वो हमें उन चीज़ों का अंदाज़ा पहले से ही लग जाए तो हम ऐसा कोई कार्य ही नहीं करेंगे जिसकी वजह से हमें आने वाले जीवन पे नुकसान हो। तो देखते हैं कैसा रहने वाला है मिथुन राशि वालों का ये साल, उनके रिलेशनशिप्स अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ कैसी रहने वाली है। तो साल का जो शुरुआती दौर रहेगा, अर्थात साल के जो पहले महीने होंगे, जनवरी फरवरी मार्च तक का जो महीना होगा, एक तरह से वो हम कह सकते हैं कि उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। रिश्तों में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के साथ आपका जो रिलेशन रहेगा वो कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव वाला रहेगा। जहां पर बहुत जल्दी आप खुश हो जाएंगे अपने रिश्ते को लेकर के, तो वहीं कहीं ना कहीं आपको टेंस्ड भी बहुत जल्दी हो जाएंगे, टेंस्ड भी रहना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ अगर हम देखें तो साल के शुरुआती दौर में ही, यानी जनवरी के महीने में ही, जो चौथे भाव का स्वामी है आपका बुध, वो बैठा हुआ है सप्तम भाव में सूर्य शनि और केतु के साथ, गुरु भी साथ में है स्थित। और इसके साथ साथ ये जो इन ग्रहों की युति हो रही है, कहीं ना कहीं यही युति जो है आपको उतार चढ़ाव का सामना भी करवाएगी। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करें पार्टनर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, वो मार्च के बाद बेहतर होना शुरू हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके जीवन में, आपके लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा खुशहाली भी आनी आरंभ हो जाएगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है, साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर की सेहत का भी ध्यान रखना की ज़रूरत है। सेहत की ध्यान रखने की आपको किस प्रकार ज़रूरत है, क्योंकि कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से, घर के किसी परिवार के सदस्यों की वजह से आपका जो मन है कहीं ना कहीं अशांत हो सकता है, उनको कुछ वो आप कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, आप उनको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं, तो आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं मनमुटाव हो सकता है। तो इसीलिए आपका जो मानसिक संतुलन होगा कहीं ना कहीं वो इम्बैलेंस होने की, एक तरह से हम कह सकते हैं कि इम्बैलेंस होने का दिख रहा है कि आपका मानसिक संतुलन इम्बैलेंस हो सकता है। मगर यहीं पे अगर हम चर्चा करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो आपको चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप फिर अनमैरिड हैं, मगर आपको अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखना पड़ेगा। और जो आप इस समय पर कंसर्न दिखाएंगे अपने पार्टनर को, उनकी हेल्थ को लेकर के, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के, यही जो चीज़ें हैं ये आपके प्रेम संबंधों को मजबूत करेंगी कहीं ना कहीं, और आगे चल के आपके प्रेम संबंधों में खुशहाली की वृद्धि भी होगी। यहीं पे अगर हम चर्चा करें तो परिवार में, अगर परिवार के तौर से हम देखें, तो आप जो भी इस साल निर्णय लेंगे अपने परिवार से संबंधित, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होंगे आपके घर परिवार के सदस्यों के लिए। तो जो भी आप निर्णय लें, सबसे पहले तो बड़े बुजुर्गों की सलाह लेकर लें, और जो भी आप निर्णय लेंगे वो किसी पे थोपिएगा मत, मगर जो भी निर्णय आप करेंगे वो आपके घर परिवार वालों के लिए, इनफैक्ट आपका जो जीवन साथी है उनके लिए बहुत ज़्यादा आने वाले समय में बेहतर साबित होंगे। यहीं पे माता के साथ आपके संबंध जो हैं वो मधुर संबंध बनेंगे, माता
के लिए आप कुछ ऐसी चीज़ भी खरीद सकते हैं जो उनको बहुत प्रिय हो। प्रॉपर्टी भी खरीदने के चांसेस दिख रहे हैं इस समय पर आपकी, आपसे आपकी माता के लिए, या फिर अगर आप खुद ही माता हैं तो आपके बच्चे अपना प्यार का इजहार करने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी, लैंड जैसी चीज़ जो है वो खरीद कर आपको गिफ्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने परिवार के लिए इस समय पर घर परिवार का सामान भी ले सकते हैं, घर परिवार वालों को कुछ ऐसे उपहार भी आप दे सकते हैं, जीवन साथी को कुछ खास उपहार देने की संभावना भी दिख रही है इस साल। मगर अगर हम चर्चा करें तो मई का जो मिड का महीना होगा, मई का जो बीच का समय होगा, वो उसमें कहीं ना कहीं आपको अगर देखा जाए तो सिंगल्स जो हैं उनको नया पार्टनर मिल सकता है, क्योंकि मिड में, मई के मिड में गुरु जो हैं वो वक्री होंगे, और ये जो वक्री होंगे गुरु, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा संकेत भी दे रहे हैं। तो जो सिंगल्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपना लाइफ पार्टनर मिल सकता है, जो रिलेशनशिप में अभी तक नहीं आए हैं उनके लिए उनको रिलेशनशिप भी मिल सकता है, उनके लिए नया रिलेशनशिप मिल सकता है। मगर हाँ, जो जीवन साथी जिनका है ऑलरेडी, जो लोग मैरिड हैं उनके लिए ये कुछ ना कुछ घातक साबित हो सकता है। वो किस प्रकार, आपको अपने मन का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बन सकते हैं, जो कि आने वाले जीवन में आपके और आपके जीवन साथी के बीच में कहीं ना कहीं मन मुटाव पैदा कर देगा। तो इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ना पड़े, वो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अदरवाइज जो लोग नव विवाहित हैं, न्यूली मैरिड कपल्स हैं, वो कहीं ना कहीं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो ओवरऑल जो मिड का समय रहेगा, मई का, वो काफ़ी हद तक लाभकारी रहेगा आपके रिलेशनशिप को लेकर के। वहीं जून में, अगर हम जून की बात करें, महीने साल के जून की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप अगर काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, अपने जीवन साथी को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके जीवन साथी को आप समय देना शुरू कर देंगे, और इसी कारणवश आपके जीवन साथी से अगर आपके बीच में किसी भी प्रकार के मन मुटाव हो रहा था, या काम के प्रति किसी चीज़ को लेकर के वाद विवाद हो रहा था, तो वो भी समाप्त होने की एक तरह से समय रहेगा। यहीं पे अगर हम चर्चा करें सितंबर की, सितंबर में गुरु जो हैं वो वापस से मार्गी होंगे, तो ये समय भी अगर हम देखें तो अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी हद तक लाभकारी रहेगा। जिन लोगों ने अभी तक शादी नहीं की है तो उनके लिए कहीं ना कहीं शादी के प्रस्ताव आने की संभावना दिख रही है। मगर आप सभी को जल्दबाजी करके शादी करने का निर्णय नहीं लेना है, बहुत ही सोच समझ के निर्णय लें, उसके बाद ही जा करके आप शादी करें। इसके साथ साथ 23 सितंबर 2020 में राहु और केतु का भी परिवर्तन होने वाला है। तो राहु और जो केतु हैं वो कहीं ना कहीं आपके अविवाहित जो लोग हैं वो आपके बीच में कहीं ना कहीं एक बैलेंस भी क्रिएट करेगा, साथ साथ सामान्य समय भी रहेगा। मगर जो अगर हम राहु केतु की बात करें तो वो सिक्स्थ हाउस में होंगे, रोमांस जागृत होगा आपके बीच में, अगर बहुत समय से मनमुटाव चल रहा है आपसे, या फिर आपके जीवन साथी के बीच में, या फिर आपके घर परिवार के सदस्यों के बीच में आपका मनमुटाव चल रहा है, तो वो चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आपके जितने भी एक तरह से शत्रु हैं वो आपके मित्र बनने की भी संभावना दिख सकती है। कहीं ना कहीं बैलेंस करने की ये सिचुएशन रहेगी आपकी, हर रिश्ते को आप बैलेंस कर सकते हैं, कोई भी ऐसी घबराने की इस समय पर आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, चाहे वो आपके शत्रु हैं चाहे वो कोई भी हैं। भाई बहनों से थोड़ा सा आपका मनमुटाव हो सकता है इस साल, कोशिश करें कि किसी भी तरह का आप उनको ऐसे अपशब्दों का प्रयोग ना करें जिनसे आपका और उनका मनमुटाव हो जाए। परिवार वालों का पूरा पूरा आपको सहयोग मिलेगा इस साल 2020 में, जो भी आप कार्य करेंगे उसमें परिवार वालों का सहयोग भी मिलेगा, तो काफ़ी हद तक आपका सहयोग आप प्राप्त करेंगे, और आप भी अपने परिवार के सदस्यों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, इनफैक्ट करेंगे भी। तो ये साल अगर हम देखा जाए तो काफ़ी हद तक मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है रिलेशनशिप के तौर पे। यहीं पे जो लोग शादी के लिए लंबे अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं मिथुन राशि वालों के लिए, तो इस साल घर में शहनाइयाँ बज सकती हैं, आपके घर में शादी भी हो सकती है, तो समाप्त होने वाला है आपका वो इंतज़ार। अगर आप जो शादी के लिए, विवाह के लिए जो इंतज़ार इतने सालों से कर रहे थे, जिन लोगों की आयु
भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है और विवाह नहीं हो रहा, उनके भी विवाह इस साल हो जाएंगे। तो ओवरऑल कुल मिलाकर के ये साल काफ़ी हद तक आपका अच्छा रहेगा रिश्तों को लेकर के। और उपाय की अगर चर्चा करूँ अंत में, तो उपाय क्या करना है आपको इस साल, हर बुधवार या फिर साल के पहले बुधवार आपको गणेश जी को दुर्वा ज़रूर अर्पित करनी है। कोशिश करें कि दुर्वा उनके मुकुट पे अर्पित करें, उनके सिर की तरफ अर्पित करें, चरणों में ना अर्पित करें। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगा और साथ साथ उनको दूध से उनका अभिषेक भी करें। ये हर बुधवार करें आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और उम्मीद करती विषय भी पसंद आया होगा, आपका आने वाला साल बहुत ज़्यादा मंगलमय हो। नमस्कार, जय श्री राधे।